भारत में होगा, सब एक होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 26 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि इस बार विपक्षी एकता का नाम इंडिया होगा। उसके बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपनी बातचीत रखी, मीडिया से बातचीत किया। लेकिन इस बीच एक खबर जो काफी चर्चा में है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास अपना चार्टर प्लेन है। बावजूद इसके तीनों नेता वहां से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए वापस पटना लौट गए। कहा जा रहा है कि नए गठबंधन का नाम नीतीश कुमार को पसंद नहीं था, इसीलिए वो नाराज हो गए। सियासी गलियारे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन आज आपको चार पॉइंट में बताएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार के नाराजगी के पीछे की चार वजहें निकाली जा रही है। सबसे पहला कि संयोजक, दूसरा नीतीश को वैल्यू नहीं दिया गया और पूरा कंट्रोल खड़गे के हाथों में, तीसरा कि सिटिंग से नाराजगी और चौथा नीतीश के खिलाफ पोस्टर। सबसे पहले पॉइंट से समझते हैं कि संयोजक, बैठक के बाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नीतीश कुमार पटना लौट गए। पटना लौटने के बाद भी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। इस दौरान बीजेपी ने महागठबंधन पर यह कहकर हमला बोला कि कर्नाटक बुलाकर नीतीश कुमार की बेइज्जती की गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट किया और लिखा कि सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल गए, दूल्हा तय हुआ नहीं, फूफा लोग पहले ही नाराज हो गए। नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार का ही देन है कि आज विपक्षी नेता एक मंच पर है। बीजेपी नीतीश कुमार के इसी अगुवाई के कारण उन्हें अगुवा और फूफा भी कहकर तंज कसते हैं। तो वहीं विपक्ष की पहली बैठक जब 23 जून को पटना में हुई थी तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी की बात करके दूल्हा बना दिया था। अब अश्विनी चौबे इसी को लेकर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि दूल्हा तय नहीं हुआ और फूफा लोग पहले ही नाराज हो गए। वहीं विपक्षी एकता की अगली मीटिंग महाराष्ट्र में रखी गई है। इसको लेकर अश्विनी चौबे ने ट्विटर पर लिखा कि फोटोबाजी, राजनीतिक पर्यटन के लिहाज से बेंगलुरु सेशन क्लोज हुआ, अगली शूटिंग मुंबई में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार विपक्ष की बैठक से जल्दी इसलिए लौट आए क्योंकि वह नए गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज थे। सुशील कुमार ने कहा है कि विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में इसी तरह अरविंद केजरीवाल नाराज होकर दिल्ली लौट गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने पलटवार करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ऐसा व्यक्ति करार दिया जो हास्यास्पद बयान देता है और जिनकी पार्टी के भीतर ही कोई गंभीरता नहीं है, कोई गंभीरता से नहीं लेता। सुशील कुमार मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जो लोग चुनाव से पहले न मन मिला पा रहे हैं और न एक चेहरा तय कर पा रहे हैं, वे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में खड़गे ने कहा कि कुर्सी के लिए कांग्रेस काम नहीं करती और राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार नहीं है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष की नाराजगी इसलिए है क्योंकि विपक्ष की तरफ से ही राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट कि नीतीश कुमार को वैल्यू नहीं दिया गया, खड़गे का कंट्रोल रहा। पटना में जब 23 जून को बैठक हुई थी, पहली बैठक, तो इसका पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथों में था और नीतीश कुमार को सब भाव भी दे रहे थे। जबकि बेंगलुरु में हुए बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को वैल्यू नहीं दिया गया और पूरा कंट्रोल मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में दे दिया गया। और तीसरी बात है कि सिटिंग को लेकर नाराजगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिटिंग को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए। जबकि 17 जुलाई को हुए बैठक में नीतीश कुमार की कुर्सी सोनिया गांधी और खड़गे के बगल में रखी गई थी। 18 जुलाई को जब शरद पवार बैठक में शामिल हुए तो राहुल गांधी की कुर्सी को शिफ्ट कर दिया गया और नीतीश कुमार की कुर्सी जहां थी वैसे ही रखा गया, यानी पहले सोनिया, उसके बाद
खड़गे थे और उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद शरद पवार और फिर केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव को बैठाया गया। अगर नीतीश कुमार बैठने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते तो उनकी और भी वैल्यू बढ़ सकती थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से चले गए। चौथा पॉइंट कि नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले ही एक दिन पहले पोस्टर लगाए गए, उसमें भी नीतीश के खिलाफ में। पोस्टर में नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार लिखा गया था, साथ ही बिहार में हाल ही में गिरे सुल्तानपुर पुल के तस्वीरों को भी लिखा गया। हालांकि बाद में इस तस्वीरों को हटा दिया गया और इस पोस्टर को भी हटाए गए। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिहार लौट गए। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है, कहा ऐसा भी जा रहा है कि जो नाम INDIA इंडिया रखा गया विपक्ष को, उसमें इंग्लिश शब्द से नीतीश कुमार नाराज हो गए। अक्सर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इंग्लिश से इतने नाराज हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें देखा भी गया कि जिस वजह से कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल क्यों। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया की वजह से भी वो नाराज हो गए क्योंकि उनको ये नाम पसंद नहीं था। हालांकि ये सारे चीजों का दावा किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कही गई बात है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर नीतीश कुमार विपक्ष की बैठक के बाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वो पटना क्यों लौट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से पहले जब उनसे पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं और विपक्ष की बैठक कैसे रही, तो वो ये कहते भी नजर आए कि सब कुछ ठीक है, सब एकजुट होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हम सब एकजुट हैं। आखिर देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के नाराजगी के पीछे की वजह क्या है और महाराष्ट्र में विपक्षी नेता की बैठक में क्या कुछ होता है।